पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं अजमेर के पीसांगन से, जहां डोडा चूरा समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पिकअप समेत 242.95 किलो डोडा चूरा जब्त किया। जब्त डोडा चूरा की कीमत 17 लाख रूपये बताई जा रही है। डोडा पोस्ट तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए पिकअप को रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के वाहन की शक्ल दे रखी थी। राजसमंद के देवगढ़ में एक गर्भवती महिला ने फंदे पर झूल कर जान दे दी। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है। आरोप है कि 8 दिन पहले भी महिला से मारपीट की गई थी। इसके बाद महिला अपने पीहर चली गई, जिसके बाद पति श्रवण हाथ जोड़कर पत्नी को वापस ससुराल ले आया, लेकिन कल रात महिला ने खुदकुशी कर ली। मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीकर के रिंगस में चोमू से सब्जी की गाड़ी लेकर आ रहे कस्बे के 2 लोगों की आज सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ये लोग सड़क के किनारे टायर बदल रहे थे, तभी एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे ने रास्ते में दम तोड़ दिया। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर थाना क्षेत्र के मंगल कॉलोनी वार्ड नंबर 7 में अज्ञात चोरों ने एक वकील के मकान को निशाना बनाते हुए 1000 रुपयों की नकदी और सामान को लेकर फरार हो गए। चोरों ने कमरे की खिड़की को तोड़कर कमरों में घुसे, भगवान के मंदिर में रखे लोहे के बक्से को बाहर लेकर आए और कमरे में रखी घड़ियां और नकदी लेकर फरार हो गए। अलवर के बहरोड में ग्रामीणों ने सरपंच पर फर्जी पट्टे काटने का आरोप लगाया है। मामला मंडावर के टोडावास ग्राम पंचायत का है, जहां पर ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाए हैं कि सरपंच ने लोगों से रुपए लेकर गैर आबादी सहित गौचर भूमि और स्कूल की जमीन पर सैकड़ों पट्टे काट दिए हैं। मंथन फाउंडेशन बहरोड द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को आत्मरक्षा सिखाओ कार्यक्रम के अंतर्गत कन्या रत्न जन्मोत्सव कार्यक्रम की नई शुरुआत की जा रही है। संस्था ने बताया कि संस्था ने राजकीय हॉस्पिटल बहरोड में जन्म लेने वाली कन्याओं को एक पोशाक देकर स्वागत किया। चूरू के रतनगढ़ में ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से टाउन हॉल में एजाज नामा प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान की आयत से किया गया। कार्यक्रम में अतिथि पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया रहे। कार्यक्रम ने 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मुस्लिम संप्रदाय के 53 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। भरतपुर के भुसावर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 17 अगस्त से 26 अगस्त तक कुल 1025 छात्र छात्राओं का परीक्षण किया गया। कोटा के इटावा में जिला पटवार संघ के चुनाव सम्पन्न हुए। यहाँ इंद्राज गौचर को जिला अध्यक्ष और हरगोविंद सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। साथ ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर 10 सदस्यीय कार्यकारिणी निर्वाचित घोषित की गई। कोटा के इटावा में अंबेडकर चेतना मिशन कार्यकर्ताओं और पालिका प्रशासन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ईओ नरपत सिंह और पालिका अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से अंबेडकर सर्किल के सौंदर्यकरण को लेकर चर्चा की। ईओ ने कहा कि सौंदर्यकरण के बाद आगामी 26 जनवरी को तिराहे पर नई प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। भरतपुर के वैर में कोटापट्टी नयाबास में 2 करोड़ की लागत से बन रहा गौरव पथ का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। लोगों ने नगर पालिका ईओ को ज्ञापन देकर निर्माण कार्य पूर्ण करवाने की मांग रखी है। भरतपुर के वैर में आवारा पशुओं ने किसानों सहित आमजन को परेशान कर रखा है। यहाँ ये आवारा पशु सरकारी कार्यालय और सड़कों पर बैठे रहते हैं, इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। नगरपालिका द्वारा आवारा पशुओं को पकड़ने का टेंडर देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस पर स्थानीय लोगों ने कागजों में खानापूर्ति करने का आरोप लगाया है। चालों की चित्रवाना कस्बे के कई वार्ड्स में पिछले 1 महीने से 100 से अधिक घरों और सरकारी भवनों में पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों ने इस बारे में प्रशासन से बार बार गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन ने महज दौरा कर कार्य की तुष्टि कर ली। ग्रामीणों ने स्कूल टीलों और रिश्तेदारों के घर शरण ले रखी है। ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जालौर के भीनवाल में किसान आंदोलन में हजारों की संख्या में महिलाओं और किसानों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों युवा काली पट्टी बांधकर 400 मोटरसाइकिल से रैली निकालकर समर्थन में पहुंचे। सीकर के श्रीमाधोपुर में जोरावर नगर की गणेशा राम की ढाणी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में भामाशाह महेश अग्रवाल ने कुल 36 बच्चों को ड्रेस भेंट की। बच्चों को ड्रेस मिलने के बाद बच्चे खुशी से झूम उठे। पाली के मारवाड़ जंक्शन में पाली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर पद पर जीत कर आए एडवोकेट हीरालाल पवार का पूर्व उप सरपंच भवनलाल चौधरी के नेतृत्व में धूमधाम से स्वागत किया गया। गांव में पहुंचे पर पवार का ग्रामीणों द्वारा माला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। सीकर के रिंगस में सड़क के किनारे खड़े 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।
जिसे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के शव को मोर्चे में रखवाया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी मिल चुकी है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में स्थानीय ब्राइट फ्यूचर एकेडमी विद्यालय ने नई पहल चलाते हुए प्रति माह अलग अलग जगहों पर पौधरोपण करने का निर्णय लिया। संस्था के डायरेक्टर कल्याण सिंह ने बताया कि प्रथम बार पंचायत समिति में प्रधान कुंपावत के नेतृत्व में पौधरोपण किया गया। पाली के मारवाड़ जंक्शन में मैंगलोर में प्रवासियों द्वारा एक शाम रामदेव जी के नाम भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। बाड़मेर के समदड़ी में पातों का बाड़ा स्थित नाड़ी पर लोक देवता रामदेव मंदिर में खिजड़ियाली सरपंच ममता भीर के नेतृत्व में संघ के छात्रों ने पूजा अर्चना कर बाबा रामदेव के दर्शनार्थ के लिए रवाना हुए। चित्तौड़गढ़ के कपासन में राजस्थान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष मजद कमांडो के कपासन आगमन पर अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। कमांडो ने प्रख्यात सूफी संत हजरत दीवाना शाह के दरगाह पहुंचकर चादर पेश कर देश में अमन चैन की दुआ की, जहां दरगाह वक्फ कमेटी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मौके पर प्रदेशाध्यक्ष कमांडो ने कहा कि बालिकाओं को ज्यादा से ज्यादा तालीम देकर उनका भविष्य बनाया जाए। कोटा के इटावा में नारायणी माता धाम के लिए पैदल यात्रियों का जत्था अखाड़ा बालाजी मंदिर से पूजा अर्चना के बाद रवाना हुआ। यात्रियों का कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर यात्री नारायणी माता के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। बाड़मेर के समदड़ी में अजीत गांव के ठाकुर जी के मंदिर को देर रात चोरों ने निशाना बनाया। यहां चोर मंदिर के ताले तोड़कर दान पात्र से नकदी पार कर ले गए। घटना की सूचना पर पुलिस थाना अधिकारी मैप स्टाफ मौके पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। बाड़मेर के समदड़ी में निकटवर्ती जेठंदरी गांव में बालाजी ग्रुप द्वारा एक शाम गणपति के भजन संध्या हुई। इसमें गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। श्रद्धालुओं ने सुबह से ही गणपति की पूजा अर्चना कर परिवार के खुशहाली की कामना की। खबर पंचायत में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर बाड़मेर की सिवाना से जो कस्बे से बाबा रामदेव दर्शन के सैकड़ों पैदल यात्रियों का जत्था रवाना हुआ, जिसमें भक्तों ने बाबा के जय जयकारे लगाए। पैदल जत्थे का ग्रामीणों द्वारा जगह जगह पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं गांधी चौक पर बाबा के भक्तों ने जमकर नृत्य का लुत्फ उठाया। वहीं बाबा श्री रामदेव मंदिर एवं ध्यान केंद्र की ओर से रामदेव रा जाने वाले पैदल यात्रियों के आवास, चिकित्सा, भोजन, नाश्ता की व्यवस्था की जा रही है। प्रतापगढ़ के धरियावद में ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस संगठन चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत की उपस्थिति में हुआ। संगठन चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, महामंत्री के नामों पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। बैठक में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने सर्वसहमति से संगठन के पदों के नाम पर मुहर लगाई। बाड़मेर के समदड़ी में निकटवर्ती उमरलाई गांव के समाज सेवी व माजी सह मित्र मंडल उमरलाई के अध्यक्ष मोहन देवासी ने पुणे के राजस्थान प्रवासियों के सर्व समाज को 108 एम्बुलेंस भेंट की। माजी सह मित्र मंडल के उपाध्यक्ष नरपत सिंह सोलंकी उमरलाई ने बताया कि मोहन राम ने प्रवासियों के लंबे समय की परेशानियों को देखकर सर्व समाज को 108 एम्बुलेंस देकर अनूठी पहल की। इस सेवा से गरीब व असक्षम लोगों को फायदा मिलेगा। मोहन देवासी हमेशा छोटे मोटे धार्मिक कार्यों में आगे रहते हैं। अजमेर के पीसंगन में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सामनलाल जाट के पुत्र और भाजपा नेता रामस्वरूप लांबा देव डूंगरी पहुंचे, जहां वे कार्यकर्ताओं से जानकारी लेकर क्षेत्रीय समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान भाजपाइयों ने लांबा का साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया। भरतपुर के ढीग में राजकीय कृष्णलाल जोशी सीनियर माध्यमिक विद्यालय में 62वीं राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि पंचायत समिति प्रधान गायत्री फौजदार ने विजेता टीम हनुमानगढ़ की टीमों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। भरतपुर के डीग में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे गौड़ीय संप्रदाय के हजारों बंगाली साधु संतों ने तुलसी पौधा और ठाकुर जी के साथ नगर परिक्रमा की।
इस दौरान साधु संत ढोल मृदंग मजीरा लेकर हरि कीर्तन करते हुए नाचते गाते चल रहे थे। जैसलमेर के रामगढ़ में हेल्पेज इंडिया मोबाइल हेल्थ यूनिट और ONGC के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित चिकित्सा शिविर में स्वच्छता का संदेश दिया गया। इसी तरह पंचायत संभयों की ढाणी घोटारू शाहगढ़ में वरिष्ठ जन स्वास्थ्य सेवा अभियान द्वारा आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर के साथ स्वच्छता का भी संदेश दिया गया। जोधपुर के ओसिया में राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह बाजोर व संसदीय सचिव भैराराम सियोल के सानिध्य में शहीदों की प्रतिमा एवं तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर परिवारजनों का सम्मान किया गया। प्रेम सिंह बाजोर ने कहा कि शहीद हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, इनको कभी भुलाया नहीं जा सकता तथा यहाँ पर शहीद प्रतिमाएं नहीं है, वहाँ पर प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। इसी के साथ शहीद को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अलवर के रामगढ़ में मिलतपुर गांव में बिजली के पोल से जमीन में करंट उतरने से दो भैंसों की मौत हो गई जबकि एक महिला झुलस गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दी। ग्रामीणों ने बताया कि पीड़ित काफी गरीब व्यक्ति है और मजदूरी व भैंसों का दूध बेचकर अपना जीवन यापन करता है। उदयपुर के कोटड़ा में जंगल में बकरियां चराने गए चरवाहों पर लुटेरों ने पथराव कर 5 बकरे लूट लिए। पथराव में 2 चरवाहे जख्मी हो गए। ग्रामीणों ने जंगल में घंटों बदमाशों और बकरियों की तलाश की। मामले में पीड़ितों ने थानाधिकारी को रिपोर्ट दी है। मामले में पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सीकर के श्री माधोपुर थाना इलाके की अरणिया गांव में आवारा सांडों के लोग खासे परेशान हैं। आवारा सांडों की धमाचौकड़ी से कई लोग घायल हो चुके हैं। आज 2 सांडों की जंग में एक सांड कुएं में जा गिरा। घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को और ग्राम पंचायत प्रशासन को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांड को जिंदा बाहर निकाल लिया। इस दौरान मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। बांसवाड़ा के रियाबड़ी में ग्राम पंचायत पादु खुर्द में भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने लोक देवता तेजा जी महाराज के भजन गाए। आयोजन में गांव के कई लोग मौजूद रहे। आयोजन में पधारे हुए गणमान्य अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। नागौर के कुचामन सिटी के रामा निजी शिक्षण संस्थान के निदेशक और टीचर्स ने छात्र राजवीर को स्कूल के छात्रावास में 2 दिन तक बंधक बनाकर बुरी तरह पिटाई की जिसके कारण छात्र बुरी तरह घायल हो गया। पिटाई के बाद लड़का स्कूल से मुश्किल से जान बचाकर भागा और शहर के एक होटल में आकर होटल मालिक को पूरी बात बताई। इसके बाद होटल मालिक ने पूरी घटना पुलिस को बताई। वहीं मामले को लेकर पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के मांडल गढ़ में श्री देवनारायण की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित रात्रि जागरण में विधानसभा प्रत्याशी और भीलवाड़ा डेयरी के पूर्व चेयरमैन ने रात्रि जागरण में शिरकत की। जयंती के अवसर पर अतिथियों ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की जिससे महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके। भीलवाड़ा के आसिंद उपखंड के अंटाली गांव में जैन समाज के संवत्सरी महापर्व धर्म आराधना त्याग तपस्या के साथ मनाया गया। संवत्सरी महापर्व पर जैन समाज के लोगों ने अपने अपने दुकानें बंद रखी। जैन स्नातक में सायंकाल को जैन समाज के पुरुष महिलाएं एवं बच्चों सभी ने सामूहिक प्रतिक्रमण किया। वर्ष भर में की गई गलतियों का आत्मचिंतन कर सभी सामूहिक क्षमा याचना की गई। इसी के साथ 8 दिवसीय पर्यूषण महापर्व का समापन हुआ। चूरू के रतनगढ़ में क्षेत्र में वार्ड संख्या 32 में BSNL की 4G लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में एक गाय गिर गई। करीब 5 घंटे बाद गाय को कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि करीब 4-5 दिन से गलियों में गड्ढे खोदे पड़े हैं। उन्हें खोदने के बाद ना तो अधिकारी सुध लेते हैं ना ही ठेकेदार इन गड्ढों को वापस भरते हैं। वहीं खुले पड़े गड्ढों में आए दिन पशु और बच्चे गिर जाते हैं जिससे वे चोटिल भी हो जाते हैं लेकिन यहाँ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। भीलवाड़ा के आसिंद में कमलियास के अखिल भारतीय वीर गुजर बगड़ावत फोर्स के तत्वाधान में 10वीं बार पैदल यात्रा जालखेड़ा से धर्म ध्वजा के साथ रवाना हुई। हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे में स्थित कॉलेजेस में छात्र संगठन चुनावों की चौसर बिछनी शुरू हो गई है। कन्या PG महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर नीतू सहारण व सुखप्रीत कौर के बीच मुकाबला है। वही उपाध्यक्ष पद पर रेणु बाला व सुमन के बीच सीधा मुकाबला है। छात्र संघ चुनावों में भी अब चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का सिलसिला शुरू हो गया है। 28 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनावों को लेकर कॉलेज में हलचल तेज हो गई है। साथ ही मतपेटियों की सुरक्षा के लिए समुचित पुलिस व्यवस्था कर दी गई है। सीकर के लोसल में बरसाती पानी का निकास नहीं होने से आवागमन में परेशानी हो रही है लेकिन नगर पालिका प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। राजसमंद के देवगढ़ में ट्रेवल्स और टेम्पो की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो चालक टेम्पो के अंदर फंस गया।
जिसे एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बाहर निकाला, जिसे गंभीर अवस्था में 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजसमंद जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पाली की रानी में जीवंत कला कस्बे में नवयुवक गणपति मित्र मंडल द्वारा एक शाम गणपति के नाम विशाल भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पर्युषण पर्व से आनंद संपन्न हुए। श्री जैन दिवाकर भवन में उप प्रवर्तक गौतम मुनि मसा के पावन सानिध्य में पर्युषण महापर्व का समापन हुआ। इस दौरान तपस्वियों के सम्मान में प्रवचन हॉल जयकारों से गूंज उठा। गौतम मुनि के प्रवचन के दौरान नारी शक्ति की महानता और महासती चंदन बाला का वृतांत सुनाया गया। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए वो फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर भीलवाड़ा के आसन से, जहां कस्बे के बरसनी ग्राम में नेहरू युवा केंद्र भीलवाड़ा के तत्वाधान में ब्लॉक तहसील स्तरीय युवा संसद का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि नेहरू युवा संस्था एकलिंग पुरा ने सभी युवाओं को ग्राम सभा में भाग लेकर गाँव की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम सभा में उपस्थित होना चाहिए। बारा के अंत में कस्बे की 100 महिलाओं से ठगी करने वाला बाबू लाल नामक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बाबू लाल माली ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए लोन स्वीकृति कराने के लिए प्रत्येक महिला से 500-500 रुपए एकत्रित कर संपत हो गया। महिलाओं ने उक्त प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू की और ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नागौर के मेड़ता सिटी में गत वर्ष गणेशोत्सव के समय दुखांतिका में मृत बच्चों के परिवारों को 25,000 रुपए सहयोग राशि प्रदान की गई। गणेश महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने अपने निजी सहयोग से ये राशि पीड़ित परिवारों को दी गई। उपखंड अधिकारी हीरालाल मीणा के समक्ष सहयोग राशि प्रदान की गई। दौसा की ठीकराय में सिकंदरा थाना इलाके के गंडरावा से गढ़मार्ग पर गुमानपुरा नदी के पास एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर राणोली चौकी पुलिस और सिकंदरा थाना पुलिस में जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंची और घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा नगर में दिगंबर जैन समाज के 11 दिवसीय पर्युषण पर्व के तहत दूसरे दिन धर्मावलंबियों ने मंदिर में सामूहिक पूजा अर्चना की और शांति धारा महाकलशाभिषेक कर शिखर पर धर्म ध्वजा चढ़ाई। अजमेर के अराई में बोराड़ा कस्बे में प्रसिद्ध खेड़ा के बालाजी का मेला धूमधाम से भरा। मेले में विधायक भागीरथ चौधरी, वाजपेयी डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने भी शिरकत की। विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेले में राजस्थानी संस्कृति के प्रतीक है और इससे प्रेम व भाईचारा बढ़ता है, साथ ही लोगों की आस्था से भी भगवान जुड़ी रहती है। बाड़मेर के समदड़ी में पुलिस अधीक्षक द्वारा वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थानाधिकारी पुलिस थाना के निर्देशानुसार 13 साल से फरार स्थायी वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उक्त वारंटी मारपीट के मामले में 13 साल से फरार चल रहा था, जिसे जेएम कोर्ट सिवाना में पेश कर जेसी करवाया गया। झुंझुनू के सिंघाना में मानपुरा गांव में जमीनी विवाद के चलते खेत में जा रहे बड़े भाई और भाभी पर छोटे भाई और उसकी पत्नी और बेटे ने कुल्हाड़ी सरियों वलाठियों से हमला कर दिया, जिस पर कुल्हाड़ी लगने से भाई और भाभी दोनों घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस ने जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर दोनों को घायल अवस्था में सिंघाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टर हिमांशु के नेतृत्व में प्राथमिक उपचार किया गया। दंपति की हालत गंभीर होने पर दोनों को झुंझुनू रेफर कर दिया गया। पुलिस ने परिजनों और पीड़ितों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजन राजू ने बताया कि खेत की जमीन में चार दीवारी बनाने को लेकर दोनों भाइयों में विवाद चल रहा था। बाड़मेर के समदड़ी में निकटवर्ती खारवा गांव में आयोजित 62वीं व्रत खेलकूद प्रतियोगिता का समापन जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल की अध्यक्षता में हुआ। सभी विजेता और उप विजेता टीम को जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पुरस्कृत किया गया। वहीं प्रियंका मेघवाल ने मंच को संबोधित करते हुए खेल को खेल की भावना से खेलने की बात कही। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा नगर में
दिगंबर जैन समाज के 11 दिवसीय पर्युषण संपन्न हुआ। पर्युषण पर्व के अंतर्गत प्रतिदिन 10 धर्मों के विशेष अर्घ्य चढ़ाकर सरस्वती पूजन, भक्तमर वाचन, विविध धार्मिक प्रतियोगिताओं तथा प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। बाड़मेर की समदड़ी में पूर्व सरपंच की स्कॉर्पियो गाड़ी से बाइक टकरा गई। घटना में बाइक सवार 4 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को 108 की सहायता से सरकारी अस्पताल ले जाकर भर्ती करवाया गया। पुलिस थाना अधिकारी चंद्र सिंह भाटी व स्टाफ सहित मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। पाली के देसुरी उपखंड के बागोल ग्राम में भूमाराम देवासी के बेड़े पर एक विशाल बड़े अजगर के आने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, जिस पर वन कर्मियों में रूगा राम जाट और दारा राम मीणा ने बड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। करौली के टोडा भीम में उपखंड के राजकीय अस्पताल में भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार का व्यापक असर देखने को मिला। अस्पताल परिसर की ओपीडी में एक भी डॉक्टर नहीं है। अस्पताल में मरीजों को नर्सिंग कर्मी देख रहे हैं, जिससे मरीज संतुष्ट नहीं है। वहीं इन दिनों चल रहे मौसमी बीमारियों के समय मरीजों को बिना डॉक्टर्स के परेशानी आ रही है। बाड़मेर के समदड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चिकित्सक अखिल राजस्थान सेवारा चिकित्सक संघ की ओर से सभी चिकित्सक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। पाली के देसुरी में आज बस स्टैंड पर डॉक्टर राम मीणा राष्ट्रीय संयोजक शेड्यूल स्टूडेंट एंड यूथ यूनियन ने देसुरी का दौरा किया। इस दौरान देसुरी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान कस्बे के कांग्रेस नेता रतन चणवा, वरिष्ठ मिश्रू खान व प्रदीप मीणा ने फूलों से उनका भव्य स्वागत किया। डूंगरपुर के जौथली में सड़क मार्ग बदहाल होने से ग्रामीण परेशान है। ग्राम पंचायत करावाड़ा के पांडला माना रोड गांव की पहुंच सड़क लंबे समय से बदहाल है। वही ग्रामीणों को इन दिनों कीचड़ और गड्ढों में तब्दील सड़क पर आवाजाही करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। चूरू के सादुलपुर में राघा छोटी गांव में शराब ठेका ऑफिस में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को शनिवार को कोर्ट आदेश पर रिमांड पर लिया गया। चूरू रतनगढ़ में भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार अध्यात्म केंद्र में जनता रामलीला कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान लीला के निदेशक शिव भगवान कम्मा के सानिध्य में गणेश पूजन कर रामलीला मंचन का पूर्वाभ्यास शुरू किया गया। कालो के आहोर में पादरली गांव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का चप्पा चप्पा कैमरे की निगरानी में रहेगा। यहां भामाशाह कुंदनमल सुथार ने 2.25 लाख रुपयों की लागत से नाइट विजन डिजिटल कैमरे लगवाए। चालों के जसनपुरा कस्बे में आवारा पक्षियों के मुख्य मार्गों के बीच में बैठे रहने से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहां पहले भी आवारा पक्षियों की लड़ाई में कई लोग घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवारा पक्षियों को पकड़कर गौशाला में छोड़ने का आग्रह किया। चालों के रानीवाड़ा में इन दिनों कस्बे में जगह जगह बरसाती पानी के जमाव से मच्छर बढ़ रहे हैं। क्षेत्र में फोगिंग की आवश्यकता जताई जा रही है, लेकिन विभाग की ओर से व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चालों के जसनपुरा में श्री राम सेना की ओर से गांव में वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें महंत सुखदेव गिरी महाराज के सानिध्य में बड़ी संख्या में राम सैनिक शामिल हुए। सेना के प्रतिनिधि कमलेश नागर ने बताया कि माता जी मंदिर से रैली प्रारंभ होकर हनुमान जी मंदिर बाजार से मुख्य मार्ग पर पहुंचकर विसर्जित की गई। अजमेर के नसीराबाद में प्रसिद्ध प्राचीन मसाणिया भैरवधाम का मेला कल धूमधाम से भरेगा। मुख्य पुजारी पुजर महाराज के अनुसार आज मंदिर पर जागरण है। मंदिर पर मेले के दिन विशेष चौकी लगाई जाएगी और भक्तों के कष्टों का निवारण किया जाएगा। मेले के उपलक्ष्य में मंदिर पर विशेष रोशनी और सजावट की गई है और भैरव धाम का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। अजमेर के पुष्कर में सरोवर के जयपुर घाट के परिक्रमा मार्ग पर प्रशासन के अनदेखी के चलते अतिक्रमण कर रास्ते को छोटा किए जाने का मामला सामने आया है। शनिवार रविवार का फायदा उठाकर पुष्कर सरोवर किनारे जयपुर घाट पर मुख्य रास्ते में करीब 6 फीट × 90 फीट लंबा चबूतरी बनाकर मार्ग तंग किया गया। भरतपुर के वैर में आज बलदेव छठ पर 56 भोग और फूल बंगला झांकी सजाई गई। यहां अग्रवाल समाज की ओर से दाऊजी मंदिर में यह आयोजन है। खबर पंचायत में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।